और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुपर ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की जान लीजिए। फैसला लिया है बच्चों के हितों को देखते हुए। आज की सुपर ब्रेकिंग में सभी छात्रों का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि अगर आप भी इस बार नकल या चीटिंग करने की सोच रहे हैं तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरकार ने बहुत ही सख्त कानून लागू कर दिए हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप भी अपने बोर्ड से संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने बोर्ड या राज्य का नाम जरूर लिखें ताकि आपके बोर्ड या राज्य से जुड़ी जब भी कोई लेटेस्ट जानकारी आए तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचा पाए। अभ्यर्थियों ने परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका जताई है। कहना है कुछ प्रश्नों के उत्तर व्हाट्सएप पर परीक्षा से पहले ही वायरल हो गए थे, बाद में परीक्षा के बाद पता चला कि ये उत्तर पूछे गए प्रश्नों से ही संबंधित थे। अभ्यर्थियों ने इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया। आक्रोशित अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग करने लगे। परीक्षा खत्म होने के बाद शाम में अभ्यर्थियों ने स्टेट लाइब्रेरी के पास जमा होकर इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया। आक्रोशित अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने तथा इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी ने इसकी शिकायत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से करते हुए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में दैनिक जागरण ने आयोग के अध्यक्ष नीरज सिन्हा से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। सूत्रों के अनुसार इसकी शिकायत आयोग को भी मिली है, आयोग इसकी जांच करा सकता है। उधर भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी द्वारा रविवार को आयोजित सीजीएल परीक्षा में कथित तौर पर पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। कहा है कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर आंसर शीट जारी की है, साथ ही व्हाट्सएप पर भी प्रश्न पत्रों के परीक्षा से पहले ही बात सामने आ रही है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित यह परीक्षा भ्रष्टाचार के दायरे में आ गई, इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। झारखंड सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, पूरी परीक्षा में भ्रष्टाचार की बुआ रही। कानूनी कार्रवाई में फंसने के डर से युवा इस परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।